हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि ताजमहल के कारीगरों को कहाँ से बुलाया गया था। तो चलिए जानते हैं। ताजमहल भारत की शान और प्यार का प्रतीक बताया जाता है। आगरा मुगलों का सबसे पसंदीदा शहर होने के कारण उन्होंने दिल्ली से पहले आगरा को राजधानी बनाया था। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग 1504 में इस शहर को इब्राहिम लोदी ने बनाया था। ताजमहल को बनाने के लिए बगदाद में एक कारीगर को बुलाया गया था जो पत्थर पर घुमावदार अक्षरों से लिख सकता था। इसी तरह बुखारो शहर जो मध्य एशिया स्थित है, वहाँ से जिस कारीगर को बुलाया गया था वह संगमरमर के पत्थरों पर फूलों के तराशने का काम किया करता था। विराट कद के गुलमंद को निर्माण करने के लिए तुर्की के इस्तांबुल में रहने वाले कारीगर को बुलाया गया था और मीनारों के निर्माण के लिए समरकंद के कारीगर को बुलाया गया था। इस प्रकार ताजमहल के निर्माण से पूर्व 6 महीनों में अच्छे कारीगरों की तलाश करके उनमें से 37 कारीगर को इकट्ठे किया गया था, जिसे देखरेख में 20,000 मजदूरों के साथ निर्माण किया गया था। ताजमहल का कार्य 1630 में स्टार्ट हुआ था और इसका काम 22 साल बाद पूरा हुआ था।